सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। कितने लोगों को आज के वचन की समझ आई? हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग? परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है। गॉड वॉन्ट्स टू इंक्रीज योर फेथ। वो चाहता है आपका विश्वास जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाता है मजबूत रहे। He wants that your belief should be firm until Jesus has come. आपने आज से अच्छे फैसले लेने हैं। You have to take good decisions from today onward. आज से आपने मजबूती के साथ परमेश्वर में चलना है। You have to walk in the faith and firmness in the Christ. ये व्यक्ति यरूशलम को छोड़कर यरीहो को जा रहा था। That person was leaving Jerusalem and going went to the Jericho. डाकुओं के घेरे में आ गया। And robbed by the jugglers. कोई इसको बचा ना सका। Nobody was able to save him. Rich person. Possession person. Famous person. Celebrity. कोई इसको नहीं बचा सका। Nobody was able to save him. लेकिन एक सामरी ने इसको बचा लिया। But a Samaritan came and यीशु मसीह गरीब बनकर आया। Jesus came like a poor. कुरंथियों की कलिसिया को पौलुस लिखता है, वो धनी होते हुए भी धनी ना बना पर गरीब बन गया। To the church of Corinthian, Paul write that he was rich but he considered himself as poor. कितने जनों को आज के वचन की समझ आ रही है? How many of you are understanding today's word? मैं आपको सच बताना चाहता हूं, चमत्कार प्रार्थना में है लेकिन उससे ज्यादा वचन में है। I want to tell you the truth that the miracle is in prayer but more than that in your faith. ऐसा नहीं कि मैं आपके ऊपर हाथ रखूंगा और फिर मिरेकल होगा। It's not like that when I place my hand upon you only then miracle will happen. मैं ये विश्वास करता हूं जो वचन मैं आपको सुना रहा हूं ये अभिषेक से भरा हुआ है, आप इससे ही चंगे होंगे। I believe that from the today's word which is filled with anointing you will get your healing with the world. पिछले दिनों में परमेश्वर के आत्मा ने मेरी अगुवाही की और मुझे कहा। And the previous days God has guided me and told to me. प्रभु ने मुझे कहा मैं अब ऐसी कलीसिया की स्थापना करने जा रहा हूं जिस कलीसिया को चंगाई के लिए प्रार्थना की नहीं वचन की जरूरत होगी। That I will establish a church, they will not require, they will require the word to heal him themselves. प्रभु ने मुझे कहा लोग बीमारी समस्या प्रॉब्लम के साथ आएंगे लेकिन जैसे ही वो वचन सुनेंगे और वचन लेकर वापस जाएंगे वो चंगे होकर वापस जाएंगे। God spoke to me that people will come all their with all their sorrows, but when they will hear the word of God, they will receive their healing. कितने जन आप में से हैं जो लोग वचन सुनने के लिए आते हैं? How many of you are here to listen the word of God? हाथ नीचे कर सकते हैं। Keep your hands down. और आप में से कितने हैं जो lay hand करवाने के लिए आते हैं? How many of you are here just for the lay hand? किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, ताली बजाओ, लोग समझदार हो चुके हैं। Hallelujah. अब मुझे समझ आ गई है कि मेरी 15 साल की मेहनत रंग लाने लगी है। Now I got to know that the 15 years have brought fruit for me. क्योंकि अब कलीसिया को समझ आ गई है कि चंगाई ले हैंड में कम है लेकिन वचन में ज्यादा है। Now my people have understood that the healing is not in the lay hand, the healing is in the word of God. प्रभु के आत्मा ने कहा है आने वाले दिनों में आप देखोगे यहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं रहने वाली है। The Spirit of Lord spoke to me, there will be no space to sit in this place. परमेश्वर के आत्मा ने कहा है मोरंडा रोपड़ समराला लुधियाना चंडीगढ़ मोहाली पूरा पंजाब जो है वो चमकौर साहब में आने वाला है। And God spoke to me that everyone who is in the Punjab is coming to the Chamkaur Sahib Church. परमेश्वर ने कहा चमकौर साहब दूर नहीं है मेरे प्रियो, कई लोगों का मन ही दूर है लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है वो समय आ चुका है, परमेश्वर का आत्मा उन्हें सोने नहीं देगा, वो उन्हें यहां पर लाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। Word of God saying to me that Chamkaur Sahib is not far, but your intentions are not pure. But now everybody is going to come in this church soon. ताली बजाएं यीशु मसीह के प्रेम के लिए। Hallelujah. जो यीशु से प्यार करते हैं वो ताली बजाएं। आने वाले दिनों में परमेश्वर बड़े काम करने वाले। In the coming days, God is going to do big things. प्रभु का आत्मा कह रहा है आप मांगने वाले नहीं आप बांटने वाले होंगे। God is saying to me that you will not
You will not borrow, but you will lend to the others. मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका थूक खत्म हो जाएगा, लेकिन नोट गिनते गिनते नोट खत्म नहीं होंगे. I would say that you will faint while counting your money, but money will not be finished. आप अपने बच्चों को बोलेंगे, मेरी हेल्प करा, नोट गिनने बहुत मुश्किल है. You would say to your children, help me to count my money. It's very difficult. यीशु के साथ जुड़े रहो. Please be abide with God. ये समय थोड़ी सी परीक्षा का समय है. This is the time of temptation. बस कुछ ही समय परीक्षा का है. बस only few time is of temptation. आने वाला टाइम अब्राहम का टाइम आने वाला है. The coming time is the time of Abraham. मैं आपको बोल रहा हूँ, आने वाला समय अब्राहम का समय आने वाला है. I want to tell you that the coming time is Abraham's time. मैं आपको बोल रहा हूँ, परमेश्वर के आत्मा ने कहा, भविष्य में इंडिया में एक क्रिश्चियन प्राइम मिनिस्टर होगा. मैं ये मेरी प्रोफेसी है, मैं आपको बोल रहा हूँ. God spoke to me that in the coming time there is a Christian prime minister in the India. पंजाब में एक चीफ मिनिस्टर होगा जो परमेश्वर पर विश्वास करेगा और प्रभु के रस्तों पर चलेगा. प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा, ये मेरी प्रोफेसी है, ये पूरी होने वाली है. I am prophesying that in the coming days Punjab will see a चीफ मिनिस्टर who's a faith on God. मैं आपको बोल रहा हूँ, जितना ज्यादा आप सताव को और परीक्षा को सह रहे हैं, उतना ही ज्यादा परमेश्वर की एक डीप योजना परमेश्वर पूरी करने के लिए जा रहा है. I'm prophesying as much as you will see your sorrows, you will see the big blessing after that. एक हालेलुया बोलेंगे जोर से. I need a big hallelujah. आपको कनाडा और अमेरिका जाने की अब जरूरत नहीं होगी. You do not have to relocate yourself to Canada or America. आपको अपने देश के लिए, अपने लीडर्स के लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर कनाडा, यूके और अमेरिका जैसा देश हमें यही इंडिया में बनाने के लिए जा रहा है, यीशु मसीह के नाम में. You just need to pray for your own country. God will make your country like themselves. कितने लोग चाहते हैं ऐसा हो? How many of you want to see the same? इसलिए हम वो लोग हैं जो इस देश को चलाने वाले होंगे. We are the people who run this world. हम नफरत से, हम मार धाड़ से इस देश को नहीं चलाएंगे, हम इस देश को प्रेम से और यीशु के संदेश से चलाएंगे. We will not run this world with the hatred and with the fights. We will run this world with the peace and love. जोर से बोलेंगे हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा है, कलिसिया, बी स्टिल एंड स्टैंड ऑन द फर्म्स. विश्वास में खड़े रहना है. The Spirit of Lord spoke to me, please be still and have faith and be still in the faith of God. दूसरे की थाली के लड्डू को नहीं देखना है. Do not see the other side grass. हम तो हैं मस्ती में आग लगे बस्ती में, ऐसा नहीं सोचना है. You do not think like that whatever we will see, we will not care of them. लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आपने प्रभु में स्ट्रांग रहना है. But the Spirit of Lord saying to me that you have to be bold in Christ. ताली बजाएं यीशु के लिए. Hallelujah. मैं विश्वास करता हूं आगे से आप वचन सुनने के लिए आएंगे. I believe that from the coming time you will hear to receive the word only. मैं एक बात आपको बहुत खास बताना चाहता हूं. And very important thing which I want to tell you. 2035 से पहले पहले. Before the year 2035. Miracle बहुत कम हो जाएंगे. Miracles will be decreased. चमत्कार बहुत कम हो जाएंगे. Miracles will be lessened. लेकिन सिर्फ वचन ही, प्रचार ही रहेगा. But only preach will dominate. और परमेश्वर लोगों को अपने वचन से, अपने प्रचार से ही चंगा किया करेगा. And Lord will heal his people with the word only. ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए. Put your hand together for God. बाइबल में लिखा है, वो अपना वचन बेचकर उन्हें चंगा करता और तबाही से बचाता है. Bible says that he sent his word and keep him safe from all the transgressions. मैं तो कहता हूं, मुझे सिर्फ वचन में चंगाई दिखती है. I would say that I can see healing in the word only. अभी आपने वचन सुना, कितने लोग महसूस कर रहे हैं कि आप चंगे हुए हैं? Now you have heard the word, how many of you are feeling that they are healed? कितने लोग महसूस कर रहे हैं कि आप लोगों ने आज एक अद्भुत छुटकारे को पा लिया है? How many of you have faith that you received the deliverance today? आपकी नेगेटिविटी दूर हो चुकी है. You have removed your negativities. शैतान और पाप आपको छोड़ के चला गया है. And evil and your sin fled away from you. मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ. I always used to say one thing. दुनिया मुझे छोड़ दे. Even people can leave me. मेरे near dear मुझे छोड़ दे. And my every near and dear one will leave me.
बहुत सारे लोग मेरा साथ छोड़ दें, and if everyone abandon me, लेकिन मैं फिर भी यीशु मसीह से प्यार करूंगा, but still I would love to the God, मैं फिर भी यीशु मसीह से प्यार करूंगा, but still I would love to the God, और परमेश्वर के आत्मा ने कहा है, and the Spirit of Lord spoke वही to me, प्यार एक दिन आपके खोए हुओं को वापस भी लेकर आएगा, and only that love will restore everything for you, वो लोग पहचानेंगे कि ये दुनिया के लोग नहीं, ये परमेश्वर के लोग हैं। They will recognize and say they are not the people of this world, they are the people of God. praise करें खुदा Alleluia. की ताली बजा करके। जोर से बोलेंगे हालेलुया। Speak loudly, hallelujah. मैंने आत्मा में देखा परमेश्वर हमें बहुत अच्छे-अच्छे लोग देने के लिए जा रहे हैं। I have seen in the spirit that God is bringing very good personalities in the church. मैंने आत्मा में देखा ऐसी-ऐसी चीजें परमेश्वर हमें देने के लिए जा रहा है जो आपने कभी सपने में भी नहीं देखी। I have seen in the spirit that the things which God is going to give us, you haven't dream in your dreams. मुझे परमेश्वर ने बताया कि पास्टर शमी को परमेश्वर लोगों की हेल्प के लिए आने वाले भविष्य में खड़ा करने के लिए जा रहे हैं। Lord spoke to me and say that God is going to appoint Pastor Shami for other cells in the nation. परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि वो millionaires, billionaires बनने के लिए जा रहा है। God shown to me that he is going to become millionaire and billionaire in the coming time. और जो भी परमेश्वर उसको देने वाला है, and whatever God is going to give him, वो उसके लिए नहीं होगा, वो संसार के लोगों के लिए होगा। That will not be for him, that will be for the people of God. क्योंकि हम अपने लिए नहीं, हम यीशु मसीह के लिए चुने गए हैं। Because we are not chosen for ourselves, we chosen for the Jesus. ये जो पसीना मुझे आ रहा है, and the sweat I'm getting now, ये पसीने की एक-एक बूंद एक बड़ी ब्लेसिंग बनने के लिए जा रही है। Every drop of this sweat will become a big blessing for you. योर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। जिन्हें प्रभु छू रहा है बोलो हालेलुया। Who's ever getting a touch of Jesus, say hallelujah. परीक्षा के समय दिल छोटा मत किया करो। Don't leave your heart in the time of temptation. और कभी भी बुरा कन्फेस अपने मुंह से नहीं करना है। Never confess bad thing from your mouth. कभी ये नहीं कहना मैं चर्च जाता हूँ मेरा काम नहीं हुआ। Never say like this that I always used to go to church but I never get this work done. मैंने प्रार्थना करवाई मुझे आशीष नहीं मिली। I pray but nothing happened. और यीशु मसीह तू मेरे लिए कब ये करेगा? Oh Jesus, when you will do this for me? No, ऐसा नहीं करना है। No, you never have to do this. सिर्फ ये कहो प्रभु मैं जो भी हूँ मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। Just say one thing, oh Lord, whatever I am, I just give thanks to you. मैं जहाँ भी हूँ मैं जैसा भी हूँ खुदा मैं तेरा थैंक्स करता हूँ तेरा धन्यवाद करता हूँ। Wherever I am, I just give thanks to your name. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। God will lift you up. ये मेरी भविष्यवाणी है अब्राहम वाली आशीषें आप देखने जा रहे हैं। This is my prophecy for you that you are going to see the blessings of Abraham. बाइबल कहती है यीशु मसीह में हमें अब्राहम की आशीष मिलने जा रही है। Bible says that we are going to receive the blessing of Abraham. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Speak loudly hallelujah. जो लोग आपसे नफरत करते हैं उनसे प्यार करें। Those you hated you please love them. जो आपको जानवरों के जैसे बिहेव करते हैं उनसे प्यार करें। Those who consider you as animals please love them too. परमेश्वर उनको नया मन देगा। Oh Lord, please change their hearts. पत्थर का दिल निकाल के प्रभु मोम का बना देगा। He will remove the heart of stone and give the heart of flesh. अगर वो फिरौन को बदल सकता है तो वो ऐसे लोगों को भी बदले। If he can change the Pharaoh, he can change people like this. मैं यहाँ पर अभिषेक को महसूस कर रहा हूँ। I can feel the anointing here. मैं यहाँ पर खड़े नहीं रह पा रहा। I cannot able to stand here in the. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में उड़ रहा। I am feeling like I am flying in this space. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर आ चुकी है। Because the presence of Lord is here. परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर काम करना शुरू हो चुका है। The spirit of Lord has started his working. जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। अगर प्रभु ने डिसाइड कर लिया है कि आपको ब्लेस करना है if तो कोई आपको रोक नहीं सकता। If Lord has decided to bless you, nobody can stop you to be blessed. आप डर जाते हैं हो मैं नुकसान में जा रहा हूं मैं घाटे में जा रहा हूं। Sometimes you scared to see your losses. Oh, I'm going into the losses and losses. बीज बोवो और भूल जाओ। Sow your seed and forget all things. पेड़ लगाओ और भूल जाओ। Sow a seed, plant a tree and forget. परमेश्वर का आत्मा कह रहा है greater things, बड़ी चीजें परमेश्वर दिखाएगा। The Lord of the Spirit of Lord saying you will see big blessing, great things in your life. अपने मुंह से बोलो मैं मरूंगा नहीं। Say from your mouth that I will not die. मेरी उम्र लंबी होगी। I have a long life. मुझे लंबी जिंदगी जीना है। I have to live a long life. सब बोलो मुझे लंबी जिंदगी जीना है। I have to longer live. मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ सब बोलो मुझे लंबी जिंदगी जीना है।
डॉक्टर की रिपोर्ट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। Nothing shall happen to me according to the report. बीमारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। And disease shall nothing done to me. मैं यीशु के लहू से खरीदा गया हूँ। I am bought through the blood of Jesus. ताली बजाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। Put your hands together for God. एक व्यक्ति हमेशा अपने ऊपर गलत कन्फेस करता था। A person always confessing bad things upon his life. मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। I would get a heart attack. मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन उसकी मौत हार्ट अटैक से ही हुई। I want to tell you that on one day he died through heart attack. कई लोग कहते हैं मुझे शुगर हो जाएगी, मेरे फादर को शुगर है तो उसका जेनेटिक जो है मेरे अंदर है तो मुझे भी शुगर हो जाएगी। Sometimes people say it's the genetics. If my father have a diabetes, I would also develop diabetes. Cancel करो उसे यीशु मसीह के नाम में। Cancel your own words in the name of Jesus. Cancel करो, आपके फादर को शुगर है लेकिन आपको नहीं होनी चाहिए यीशु मसीह के नाम में। Cancel your generational curses that if your father has a diabetes, you will not get a diabetes. क्योंकि अब आपके बॉडी में आपके फादर के साथ साथ यीशु मसीह का जेनेटिक भी एंटर हो चुका है। Because now you have the genes of Jesus Christ with your father. खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। Stand upon your places. और आज परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। And pray to God today. और प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे मजबूत बना। And say to Lord, oh Lord, please make me firm. मैं यरूशलम को कभी नहीं छोड़ूंगा। So that I may never leave Jerusalem. मुझे यरीहो को नहीं जाना है। I do not want to go to Jericho. मुझे यरूशलम में रहना है। I want to stay in Jerusalem. मैं विश्वास करता हूँ। And I believe. आज का वचन आपकी जिंदगियों में बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। May today's word bring a lot of changes in your life. आपका पूरा हफ्ता ब्लेसिंग और छुटकारे से भरा हुआ होगा। Your whole week is going to be blessed with deliverance and healing. आपका पूरा हफ्ता खुशी और आत्मा से आनंद से भरा हुआ होगा। Your whole week is going to be filled with joy and peace. और मैं आत्मा में देख रहा हूँ, परमेश्वर आपको खुशखबरियां देगा यीशु मसीह के नाम में। And see in the spirit that God is going to give you the good news. गहराई के समय में भी just give thanks, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। In your losses and bad times, just give thanks to the Lord. सब थोड़े समय के लिए बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। Just give thanks to the Lord. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु मैंने मर जाना था लेकिन तूने मुझे बचाया। ओह लॉर्ड, आई वुड हैव डाइड बट यू सेव्ड मी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। परमेश्वर मैं इस कलीसिया के ऊपर आपकी अपरम अपार दया को मांग लेता हूं। ओह लॉर्ड, आई आस्क योर डिलीवरेंस एंड योर ब्लेसिंग ओवर दिस चर्च। प्रभु इन्हें अपनी आत्मा से भर दे। Oh Lord, fill with your Holy Spirit.